हेलो व्यूअर्स, दिस इज मी सवित एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव साइंस। ऑब्जेक्टिव साइंस में तीन तरह के चेंजेस आते हैं। सबसे पहला है ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट में जो है वो चेंजेस आते हैं। फिर सेकंड वन आता है एब्डोमेन में चेंजेस आते हैं, दैट इज पेल्विक चेंजेस। एंड द थर्ड वन इज इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट। सो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट चेंजेस। सो ब्रेस्ट में किस किस तरह के चेंज आते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज होता है एंड ये वेस्क्यूलैरिटी एंगॉर्जमेंट ज़्यादा होती है और इसमें जो डेलिकेट वेन्स हैं ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। एंड ब्रेस्ट का जो निप्पल एंड एरियोला है वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, मीन्स ब्राउन कलर का होता है। फिर इसमें जो एक सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको मॉन्टग्यू मैरी ट्यूबरकल कहते हैं, फर्स्ट 3 मंथ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। ब्रेस्ट जो है वो येलो कलर की थिक सिक्रीशन सिक्रेट करती हैं जिसको हम कोलोस्ट्रम भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं पेल्विक चेंजेस की। सो पेल्विक चेंजेस में सबसे पहला चेंज आता है चैडविक साइन, दैट इज जैक्यूमर साइन। इसमें सबसे पहले क्या असेस करते हैं, पेल्विक चेंजेस जो है वो सेकेंड मंथ में असेस किया, 1.5 मंथ का जो लास्ट वीक है एंड सेकेंड मंथ का जो फर्स्ट वीक है उस ड्यूरेशन में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल है एंड वेस्टिब्यूल है वो डस्की ह्यू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है। वेस्कुलर कंजेशन होने की वजह से ये ज़्यादा डस्की ह्यू कलर का होता है। आगे चल के ये पेल्विक ट्यूमर क्रिएट करता है जिसको यूट्राइन फिब्रॉइड भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट वन आता है ओसिएंडर साइन, दैट इज़ वेजाइनल साइन। वेजाइना का जो लेटरल फॉर्निक्स है उसमें पल्सेशन महसूस होती हैं एंड ये कोपियस सिक्रेशंस भी सिक्रेट करती हैं। ये पल्सेशन किस वजह से महसूस होती हैं, ड्यू टू इंक्रीज्ड वेस्क्यूलैरिटी, और ये 6 to 8 वीक की ड्यूरेशन में असेस किया जाता है। फिर थर्ड वन आता है गुडल साइन, दैट इज सर्वाइकल साइन। इसमें हम असेस करते हैं कि सर्विक्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। फिर नेक्स्ट वन आता है फोर्थ वन, दैट इज यूट्राइन साइन एंड पिस्केक साइन। 6 to 8 वीक में जो यूट्रस का साइज होता है वो हेन के एग जितना होता है एंड 12th वीक में मतलब 3rd मंथ में इसका जो साइज होता है यूट्रस का वो क्रिकेट बॉल जितना हो जाता है। इसका से एक साइन है उसमें हम इम्प्लांटेशन लेटरल है, सो यूट्रस की जो ग्रोथ है वो एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट में होगी। फिर नेक्स्ट वन आता है हैगर साइन। हैगर साइन में हम क्या देखते हैं कि जो यूट्रस का अपर बॉडी पार्ट है वो एनलार्ज होता है, ग्लोबुलर होता है एंड जो लोअर पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। फिर नेक्स्ट वन आता है पाल्मर साइन। पाल्मर साइन में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं और वो रेगुलर होती हैं और ये कब महसूस होती हैं, जब बाई मैनुअल एग्जामिनेशन होता है। थर्ड वन है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी ये साइंस है पेल्विक चेंजेस से रिलेटेड। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। सो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल।